नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं एक और शानदार कार, जिस गाड़ी का दोस्तों नाम है टाटा की नैनो। जी हाँ, काफी जबरदस्त से गाड़ी और मार्केट में इस तरीके से इस गाड़ी का डिमांड है ना कि भाई मैं कुछ बता ही नहीं सकता। तो पूरा डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इस गाड़ी के बारे में, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। साथ ही साथ ये जो गाड़ी है फोर सेल पे, तो जिनको भी लेना भाई इस गाड़ी को ले लीजिएगा, क्योंकि एक बार ये गाड़ी सेल हो गई तो फिर मैं आपको ये गाड़ी दोबारा नहीं दिलवा सकता हूँ। हाँ, दूसरी गाड़ी ऐसी दिलवा सकता हूँ, लेकिन ये गाड़ी फिर आपको दोबारा नहीं दिलवा सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर आपको पीछे से कुछ इस टाइप से प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, काफी जबरदस्त है, जो कि लुक में भी काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। पीछे में काफी बड़ा सा विंडशील्ड दिया गया, हालांकि इसमें आपको डिफॉगर या फिर रियर वाइपर जैसा कोई भी फीचर्स नहीं मिलता है। साथ में अगर हम बात करें स्पॉइलर की, तो जी हाँ, स्पॉइलर मिल जाएगा, स्टॉप लाइट देखने को मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर इसमें नहीं आती है। आपको काफी बड़े बड़े इसमें टेन लाइट्स देखने को मिल जाएंगे। पीछे में टाटा की बैजिंग मिल जाएगी, नैनो और नैनो एलेक्स की भी आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करें बूट की, बूट कैसे इसमें पीछे से ओपन कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका जो बूट है आप ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आप नैनो देख रहे हैं, नैनो बेस मॉडल वाली गाड़ी है, मतलब टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे की गाड़ी है। हालांकि अगर आपको बूट ओपन करने वाली नैनो चाहिए, तो फिर आपको जो सबसे टॉप मॉडल आती है ना, टाटा नैनो ट्विस्ट, वो आपको लेनी पड़ेगी, जो कि 17-18 मॉडल आती थी। ठीक है, तो वो तो ये गाड़ी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि बूट इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते, इसमें भी दोस्तों 170-180 लीटर का बूट स्पेस आता है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि इसमें बूट नहीं आती। अगर आपको बूट स्पेस यूज़ ही करना है, तो पीछे का जो डोर है आपको ओपन करना पड़ेगा, देन जो पीछे का सीट है उसको आपको स्क्रॉल डाउन करिएगा, यानी कि पीछे का सीट को आप नीचे करिएगा, तो पीछे में जितना स्पेस है ना आपको बूट स्पेस ही दिया गया। तो बूट स्पेस का भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी साइड लुक तो आप देख ही होंगे गाड़ी का, साइड से भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है गाड़ी लगती है। वहीं अगर हम टायर की बात करें, क्योंकि जैसा कि सेकंड हैंड गाड़ी है दोस्तों, तो सेकंड हैंड गाड़ी का टायर कंडीशन जाना भी बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ तो अगर हम टायर कंडीशन बताएं, तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको टायर कंडीशन मिल जाएगा 60-70% के आसपास, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक सेकंड हैंड गाड़ी के लिए 60-70% कोई बेकार होता है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों इस गाड़ी की अगर हम बात करें दोस्तों व्हील कैप्स के बारे में या फिर एलोस के बारे में, तो दोस्तों इस गाड़ी का जो एलो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल स्टील व्हील जो रिम होता है ना, वही आपको देखने को मिलेगा। एलो इस गाड़ी के अंदर नहीं आती है, जो कि कंपनी नहीं देती है। हालांकि इसमें आपको प्लास्टिक के जो व्हील कैप्स होते हैं ना, वो आपको बेशक देखने को मिल जाएगा, सो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साथ ही इसमें आपको सन वाइजर सब लगा हुआ देखने को मिलेगा, जो कि एक छोटा सा एसेसरीज है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ लगा हुआ मिलेगा। जो है सो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई ये मिलेगा वो नहीं मिलेगा। इसमें अगर रस्टिंग का आपको टेंशन है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कहीं से कोई रस्ट आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी मानो ब्रांड न्यू गाड़ी है। जब आप लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, या फिर देखने जाएंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। इसमें आपको 2 ORVM मिल जाएंगे हर एक गाड़ी की तरह नॉर्मल। अगर हम बात करें ORVM कुछ फीचर्स की, तो कोई फीचर्स नहीं है, नॉर्मल बेसिक सा दिया गया। कोई भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल जैसा फीचर्स आपको इसके ORVM में आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर हम इंटीरियर की बात करें, तो इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार इस गाड़ी का आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो दोस्तों बहुत लोग इस गाड़ी के इंटीरियर को ही देख करके इस गाड़ी को पसंद कर लेते हैं। डुअल टोन कलर के साथ इसमें आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप सामने में देख ही रहोगे। फ्रंट में आपको 2 बड़े ग्लव बॉक्स दिए गए, जिसमें काफ़ी बढ़िया स्पेस है, आप इसमें मोबाइल वॉलेट कुछ भी रख सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको ग्लव बॉक्स के जस्ट बगल में स्पीकर्स भी दिए गए हैं। जी हाँ, 2 स्पीकर्स आगे और 2 स्पीकर्स पीछे, यानी कि बूट के अंदर मिल जाएंगे। कुल मिलाकर बताऊँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो नॉर्मल बेसिक सा दिया गया, इसमें कोई भी दोस्तों आपको डिजिटल मीटर नहीं दिया गया। हालांकि एक छोटा सा MID मिल जाता है, जिसमें आपका किलोमीटर जो था वो आपको शोध करते हुए दिखाई देगा, और साथ ही साथ आपका जो फ्यूल गेज है वो आपको मतलब फ्यूल दिखाई देगा कि कितना फ्यूल है कितना फ्यूल नहीं है। साथ में अगर हम AC की बात करें, तो इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट में 4 AC वेंट मिल जाएंगे। वहीं पीछे की बात करें, तो पीछे में आपको एक भी AC वेंट नहीं दिया गया। AC जो भी हीटर के साथ है, सो ठंडी गर्मी दोनों में आपका काम कर जाने वाला है। और अगर स्टेयरिंग की बात करें, तो गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो पावर स्टेयरिंग के साथ मिल जाएगा। वो अलग बात है कि स्टेयरिंग के ऊपर आपको कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, मीडिया या फिर कॉलिंग कंट्रोल्स। वहीं अगर हम बात करें AC कंट्रोल्स की, तो कंट्रोल्स आपको मैनुअली दिया गया, कोई ऑटोमेटिक AC इसमें नहीं आती है। म्यूजिक सिस्टम की बात करें, तो म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी के अंदर कंपनी फिटेड आपको लगा हुआ मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर्स मिल जाएगा, तो आप ब्लूटूथ से भी गाने आराम से बजा करके सुन सकते हैं। वहीं अगर हम गियर की बात करें, तो मैनुअल गियर दिया गया, और इसके जो फ्रंट के दोनों विंडोज आपको पावर बटन के साथ मिल जाएंगे, जिसके कंट्रोल आपको गियर नॉब के जस्ट नीचे में मिल जाएगा। कुछ इस टाइप से आपको सीट देखने को मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और पीछे में भी स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पीछे में भी 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, और लेग रूम हेड रूम के बारे में आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं मॉडल के बारे में। दोस्तों आप देख रहे हैं टाटा नैनो 2014 मॉडल। जी हाँ, काफ़ी अपर मॉडल गाड़ी है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग के लिए कोई लोअर मॉडल लेकर के आऊँ जिससे आपको सस्ते प्राइस में सेल कर दूँ। काफ़ी बढ़िया इसका प्राइस भी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत सस्ता भी है दोस्तों, तो आप आराम से इस गाड़ी को बाई भी कर सकते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी के वेरिएंट के बारे में, पेट्रोल या फिर सीएनजी है। दोस्तों जो गाड़ी देख रहे हैं ये आपको पेट्रोल वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है। और अगर हम बात करें पेट्रोल के ऊपर एवरेज की, तो आपको सिटी में बहुत ही आराम से दोस्तों एवरेज निकाल कर देता है 19-20 की। वहीं अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे में आपको बहुत आराम से दोस्तों 25-26 एवरेज निकाल कर दे देगा। लेकिन बहुत लोग कहने की ये सोचते हैं कि अभी ले लेते हैं पेट्रोल गाड़ी, बाद में सीएनजी लगवा लेंगे ताकि एवरेज बढ़ जाए। तो भैया बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बेशक इसमें चाहें तो सीएनजी इंस्टॉल करवा सकते हैं। दोस्तों आप गाड़ी में सीएनजी दो तरीके से इंस्टॉल करवा सकते हैं, एक तो हो गया आपके ब्रांड न्यू सीएनजी, दूसरी हो गया आपके सेकंड हैंड सीएनजी। तो डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा सीएनजी लगवाएंगे, ब्रांड न्यू या फिर सेकंड हैंड। दोस्तों अगर आप गाड़ी में सेकंड हैंड सीएनजी लगवाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 15,000 में आपको गाड़ी में सीएनजी लग जाएगा। वहीं अगर आप ब्रांड न्यू सीएनजी लगवाते हैं तो दोस्तों आपका 30,000 के आसपास खर्चा आ जाने वाला है। वहीं अगर हम सीएनजी के ऊपर एवरेज की बात करें तो दोस्तों आपको सीएनजी में एवरेज बहुत ही आराम से आपको गाड़ी निकाल कर दे देगा सिटी में 22-25, और हाईवे की बात करें तो हाईवे आपको 35-40 बहुत आराम से एवरेज निकाल कर दे देगा। ओवरऑल एवरेज में आपको कोई भी तरीके की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, एवरेज काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस गाड़ी के इंजन से रिलेटेड, कैसा इस गाड़ी का इंजन है, तो दोस्तों इस गाड़ी का जो इंजन है आपको 624 cc का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी छोटा इंजन है। 2 सिलेंडर इंजन के साथ ये गाड़ी जो है वो आती है। और अगर हम बात करें दोस्तों इस गाड़ी के पावर के बारे में, कितनी पावर जो है गाड़ी प्रोड्यूस करती है, दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको मैक्सिमम पावर देखने को मिल जाएगा 37.48 bhp का। वहीं अगर हम टॉर्क की बात करें तो 51 Nm का आपको इसमें टॉर्क भी देखने को मिल जाता है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों 4 लोगों का सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपनी की तरफ से ही है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसमें आपको सीटिंग कैपेसिटी के बाद दोस्तों फ्यूल टैंक की, तो इसमें आपको 24 लीटर का जो फ्यूल टैंक होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। नो डाउट फ्यूल टैंक में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साथ में अगर हम बात करें दोस्तों इस गाड़ी के बॉडी टाइप के बारे में, तो जो गाड़ी हैचबैक में आपको देखने को मिल जाएगा, और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको 180 mm का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इंडिया के सड़कों के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको दिक्कत होने वाली है ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड। अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो उसमें आपको पावर स्टेयरिंग दिए गए हैं, पावर विंडोज आपको फ्रंट में दिए गए हैं, एयर कंडीशन पूरा का पूरा गाड़ी है, व्हील कवर्स आपको उसके टायर में मिल जाएंगे, फॉग लैंप भी आपको देखने को मिल जाते हैं, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS की अगर हम बात करें तो ABS इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। एयर बैग्स की बात करें तो ना ही ड्राइवर के पास है ना ही पैसेंजर के पास है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स की बात करें तो ये भी फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। दोस्तों चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के किलोमीटर के बारे में, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। दोस्तों ये जो गाड़ी अभी तक में सिर्फ और सिर्फ 77,000 किलोमीटर चली है। जी हाँ, 77,000 किलोमीटर, जो कि एक सेकेंड हैंड अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो इतना चला हुआ नॉर्मल है दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा नहीं चला हुआ। दोस्तों अभी के टाइम में 70,000-75,000 चलना नॉर्मल सी बात है। साथ में अगर हम ऑनरशिप की बात करें तो गाड़ी है सेकंड ऑनर, यानी कि आप जब लेंगे इस गाड़ी को तो बन जाएंगे इस गाड़ी के थर्ड ऑनर। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में, कितने रुपए में आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ऑनर का आस्किंग प्राइस बताता हूँ। ऑनर का आस्किंग प्राइस है 80,000 रुपये, लेकिन प्राइस जो है नेगोशिएबल है। आप हमारे चैनल पर देख रहे हो तो बेशक आपको प्राइस जो है सस्ता देखने को मिल जाएगा, नेगोशिएबल देखने को मिल जाएगा। सो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका इस गाड़ी को लेने के लिए दोस्तों आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्च करने पड़ेंगे 50,000-60,000 रुपये। अगर हम बात करें दोस्तों ऑनर के कॉन्टैक्ट नंबर की, कहाँ मिलेगी जिससे आप ऑनर से कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली इस गाड़ी को बाई कर सकते हैं, तो ऑनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको डिस्प्ले पर प्रोवाइड करा दी हूँ। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है, सीधा ऑनर से बात हो जाएगा। जो भी आपको पूछना हो गाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं, गाड़ी का डिटेल जान सकते हैं। जाइए एक बार गाड़ी के ऑनर से बात करिए, बात करके जाके गाड़ी को देखिए, देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल आप गाड़ी को ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो।